ये मोह से मोह माने होता है अज्ञान। मोह अज्ञान से उत्पन्न हुआ भोगाकर्षण ये पाप है। ये भोगाकर्षण पाप हमारे हृदय में मल बन के लग गया, जैसे दर्पण के ऊपर मल लग जाए। अब ये करोड़ों और उपाय करो, छूटने वाला नहीं, बहुत ही पक्का मल लग गया है। अब उस मल से जो सोच उत्पन्न हो रही, वो मल वाली ही हो रही, पाप वाली ही हो रही, मोह जनित, अज्ञान जनित। ये पापाभ्यासी मन और इंद्रियां जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, चिंतन करने वाला चित, मनन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मन, एक ही चार रूपों में वर्णन है। निश्चय करने के कारण बुद्धि, स्वीकृति के कारण अहंकार, अज्ञान के कारण, मोह के कारण ऐसी कामना वासनाएं हुई जिससे जन्म जन्म पाप होते रहे। पाप हमारे हृदय में ऐसे मल रूप से चिपक गया कि सही बात दिखाई नहीं दे रही। जैसे दर्पण साफ करो तो अपना सही स्वरूप दिखाई दे, अब वो मल लगा है तो दिखाई नहीं दे रहा। अब जितने विचार हो रहे हो मल वाले हो रहे हैं। अब निर्मल वाणी उसको समझ में नहीं आएगी। संत महात्मा, शास्त्र, गुरुदेव, इनकी निर्मल वाणी उसके अंदर क्यों मैं प्रश्न संशय, क्योंकि मल है, जन्म जन्म अभ्यास इसी मल का किया है। अधिक अधिक लपटाई, जहां छुटाने का अवसर मिला मानव देह में, वहां और पोत रहा है ऊपर से पाप रूपी मल अपने हृदय में। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। आंखें मलिन हो गई, कैसे प्रभु को देख पाए, नहीं देख पाए। संत दर्शन, भगवत श्री विग्रह दर्शन, ये भी नहीं हो पाते। देखते हैं मलिन हृदय है ना, वो देख ही नहीं पाते। देखते हैं प्रभु के सामने गए, प्रभु में आंख नहीं मिला सकते। वो इधर उधर का विषय सामग्री देखी, दोष दर्शन किया, चल दिए। वो देख ही नहीं पाते जो देखना चाहिए, क्योंकि नेत्र मलयुक्त हो गए। क्या, कैसे मल, पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से देख देख करके, दूसरों के दोष दर्शन कर करके, ये अपने नेत्रों को मलिन कर लिया। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे, ये मन मलिन हो गया। क्या, विषय भोग का चिंतन करके, जिधर देखे। अब ये अभ्यास तुमसे महापाप कराएगा, भगवान के प्रति भी कर लेगा, ये देवी शक्ति के प्रति भी ऐसे ही मलिन भाव कर लेगा। जहां हमको पावन भाव करना चाहिए तो ये पापी मन वहां भी पाप का ही श्रृंगार रचता है हृदय में। भगवान भगवान मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं, भगवान है कहां, भगवान करो मनमानी पाप, तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, तुम्हें भगवान से के निर्णय का पता चल पाएगा। इसीलिए कहते धैर्य रखो, नाम जप करो, पहले पाप भस्म होने दो, फिर आप देख लेना, फिर हृदय नाच पड़ेगा। ये ऐसा आनंद का मार्ग है, ये ऐसा थोड़ी कि तुम्हें कोई भुलावे में डालने के लिए क्या तुम दे दोगे। खुद भिखारी हो विषयों के, तुम दाता हो क्या, क्या दे दोगे, क्या है तुम्हारे पास। अरे सच्चिदानंद बप्पू भगवान श्री लालजू महाराज का, जिन्होंने आश्रय लिया, उनको किसी विषयों की चाहत रखने वालों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, तो क्यों वो तुम्हें प्यार कर रहे हैं, क्यों वो तुम्हें दुलार कर रहे हैं, तुम्हारे मंगल के लिए कर रहे हैं। तुमको जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्या है तुम्हारे पास। अरे जिनके पास अपार धन है वो भी चिंता और शोक से जल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। मृत्यु धन से थोड़ी हटाई जा सकती है, मृत्यु का भय किसी पद से नहीं हटाया जा सकता, किसी वैभव से नहीं हटाया जाता,
मृत्यु का प्रहार शरीर पर है, शरीर राग त्यागी ही मृत्यु भय से मुक्त है। राग का त्याग करना कोई खिलवाड़ नहीं है, भगवत अनुराग से शरीर के राग का त्याग होता है। यहां मलिनता बढ़ाते चले जा रहे हैं, वही भोग दृष्टि इतनी बढ़ जाती है कि अपनी बेटी बहन के प्रति भी दृष्टि बढ़ जाएगी। कलिकाल बिहाल के मनुजाने मानत को अनुजातन जा, चाहे वो गुरु बहन हो, चाहे वो सगी बहन हो, चाहे वो बहन के समान पूज्य हो, जब दृष्टि मलिन तो वो मलिन ही देखती चली जाएगी। नयन मलिन पर नारी निरखे, और मन मलिन विषय संग लागे। मन बस वही भोगों का चिंतन कर रहा है, इंद्री विलासता का चिंतन कर, ये मलिन मन का चिंतन। हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। संपूर्ण अंतःकरण मलिन हो गया, मान वासना, मेरा सम्मान हो, करो पाप कर्म और सम्मान की चाह रखो, कैसे प्राप्त हो पाएगा। जगत बंदनी वही है जो निरंतर भगवान नाम जप करते हुए शास्त्र आज्ञा से चलता है। जगत बंदनी बिस्तर सब जग विमल की रति, साधु संगति ना डरे। उसके हृदय में सम्मान की चाह नहीं है, परलोक परलोक सब जगह जहां जाएगा उसको सम्मान मिलेगा, क्योंकि उसने पापों को विध्वंस करके भगवान नाम का धन एकत्रित किया है। समझो हृदय की बात। हृदय वासना से मलिन है, वासना परत की परत जमी हुई, जब वही वासना बढ़ जाती तो उसे कामना कहते हैं। एक दो वासना है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती। ज्ञान रूपी झाड़ू लगा करके देखो तब तुम्हें दिखाई देगा कि वासना का पहाड़ जैसा कूड़ा जमा है हृदय में। मद अहंकार ये सब हृदय को मलिन कर रहे हैं, मान मद वासना। बोले जीव सहज सुख त्यागे, जीव का स्वरूप ही है सहज सुख राशि। उस सुख बिंदुओं में भागकर पाप कर रहा है, अगर लौट आवे पाप नष्ट हो जाए तो वो खुद आनंद स्वरूप है, उसे किसी आनंद का अभाव नहीं है। पर मलिन मन, मलिन हृदय, मलिन नेत्र पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं जन्म जन्म से। अब समझाओ तो समझ में नहीं आता, उनको चमत्कार दिखाओ कि आज बोले नाम तो जीवन में कभी दुख ना मिले बस। और जो कमा के रखा है उसको कौन भोगेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हारे जपने ना जपने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में फर्क पड़ जाएगा। अगर भगवत विमुख हुई तो ये भी जन्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा अहंकार काम नहीं करेगा। अभी मानव देह मिला, कर लो थोड़े दिन अहंकार, इसके बाद पता चल जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़ो, शास्त्र आज्ञा, संत आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, जिससे तुम्हारा हृदय महान हो जाए। उस महान को प्राप्त करने के लिए हृदय महान चाहिए। तुम्हारा स्वरूप ही है आनंदमय। जीव सहज सुख त्यागे, सहज सुख राशि। तू अपने को नहीं जान पा रहा, इसलिए देह भाव से पापाचरण कर रहा है। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भे, बचन दोष पर गाए, सब प्रकार मलभार लाग, निज नाथ चरण बिसराए। गोस्वामी जी कह रहे मेरी श्रवणेंद्री भी मलिन हो जाती जब हम दूसरे की निंदा सुनते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। जब किसी की निंदा हो रही हो तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई उसे राज्य पद मिल रहा हो। अरे सावधान रहना चाहिए, दूसरे की निंदा सुनने मात्र से उसके सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। कहीं पर निंदा हो रही हो तो वहां का सिद्धांत है, कान में अंगुली डाले राधा राधा, कान में इसलिए कि अब दोबारा शब्द ना पढ़ पावे, और वहां से खड़ा होकर चला जाए।
यदि सभा में किसी की निंदा हो रही है और वहां आप बैठे हैं तो आपको वैसे ही अपराध लगेगा जैसी वो निंदा कर रहा है या उसका विरोध करे। जैसे शिशुपाल श्री भगवान के लिए मलिन शब्द उच्चारण कर रहा था, भीष्म जी खड़े हो गए, मां भागवत है, अगर प्रभु के प्रति अब एक भी शब्द बोला तो भगवान ने कहा शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम मत बोलो। कुछ राजा शिशुपाल के पक्ष के थे, आवेश में भीष्म जी आ गए, अगर श्री कृष्ण को कोई एक शब्द भी बोले मेरे आराध्य देव पूरी सभा के ऊपर पैर रखता हूं, अर्थात हर वीर को ये मैं कह रहा हूं कि अगर श्री कृष्ण के विपक्ष में कोई बोला तो मैं रौंद दूंगा। केवल मैं भक्त ही नहीं हूं, मैं महाबली हूं, त्रिभुवन में कोई ऐसा जोड़ नहीं जो भीष्म अपने स्वरूप में आ जाए। और फिर उसे वही भीष्म जी जब अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए पांडवों के विपक्ष में, वही भगवान पांडवों के पक्ष में तो दंड मिला, 6 महीना बाणों की शैया पर पड़े रहे, अधर्म के कारण परास्त हुए। ऐसे महावीर महाभागवत को कोई परास्त कर सके, असंभव। परम पावन गंगा जी के गर्भ में रहे, जिन गंगा जी का एक बूंद भी अगर शरीर छूटते समय चला जाए तो परम पद मिलता है, उनके गर्भ में रहे। अगर अधर्म का पक्ष ले लिया गया, अधर्म हो रहा है सभा में बैठे हैं, तो उसी समय तेज नष्ट हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा, पाप का भागी बनेगा, जैसे भीष्म जैसे महापुरुष को भी बनना पड़ा। सभा में उधर ही बैठे और वही ही महाभागवतों की निंदा और अपमान हो रहा है, खड़े होकर चले जाना चाहिए जैसे विदुर जी खड़े हुए और छोड़ दिया, आज के बाद तेरा अन्न नहीं पाएंगे दुर्योधन, इस सभा में नहीं आएंगे, जिस सभा में धर्मात्माओं की निंदा हो सभा का त्याग कर दे, एकांत उसकी झोपड़ी बनाकर रहना पसंद, भिक्षा मांग के खाना पसंद, अधर्मियों का अन्न नहीं, अधर्म सभा का सेवन नहीं। भगवान विदुरानी जी के घर गए थे, पर निंदा सुनि श्रवण मलिन, बचाना चाहिए श्रवण इंद्री को, जहां किसी की निंदा हो, अब तो शौक है इस बात का, निंदा करने का और सुनने का एक व्यसन है, अपने को बड़ा अच्छा साधक मान लेना, दूसरे को हे मानकर उनकी निंदा करना, ये क्या कर रहे हो, अपने जीवन को गर्त में गिरा रहे हो। पर निंदा के ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ, वचन दोष पर गाए, दूसरों की विषय की चर्चा करने का समय कैसे मिलता है लोगों को, नाम जप करो, अपने विषय में सोचो, तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम निष्पाप कैसे होगे, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, तुम अपने कर्तव्य का पालन कैसे करोगे, तुम्हारा धर्म क्या है, इस विषय में सोचो, दूसरों के विषय में बोलने की हमारे पास समय वृत्ति कैसे है, ना तो वृत्ति होनी चाहिए ना समय। पर निंदा सुनकर श्रवणेंद्री मलिन हो गई और पर निंदा करके वचन मलिन हो गए और अपने प्रभु से विमुख होकर, हरि से विमुख होकर सब अपवित्र हो गया। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला है, तब फिर मनुष्य क्यों विषय और विकारों में फंसा हुआ है? महाराज जी ने सत्संग में बताया, साधक अध्यात्म मार्ग पर चल पड़े हैं, उनके लिए इन विकारों से दूर रहना कितना ज़रूरी है। जब तक इन विकारों से मुक्ति नहीं मिलेगी, हमारे जीवन का उद्देश्य यानी कि भगवत प्राप्ति होना मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ संत और गुरुजनों की बातों को मानकर आचरण में लाना, उनको मनन करना भगवत प्राप्ति में सहायक है।